वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी के उस एनएफटीज को लेके जो अभी 1 नवंबर को लॉन्च करने वाले हैं। ये वेबसाइट है beyondlife.club, इस पर वो अपनी एनएफटी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इनको अपनी एनएफटीज लॉन्च करनी पड़ रही है, किस वजह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो तक हर एक भारतीय तक पहुंचाइएगा जो क्रिप्टो में, या यूं कह लीजिए कि जो अभी इस क्रिप्टो ट्रेडिंग में नया आया है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन को अपनी एनएफटी कलेक्शन, या यूं कह लीजिए लिमिटेड एनएफटीज जो उन्होंने अपनी 1 नवंबर को डालने वाले हैं इस पोर्टल पे beyondlife.club के ऊपर, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों, एनएफटी यानी कि जैसे मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया है, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं जिनका कोई दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो ये एनएफटी जो है ओरिजिनल हैं, और अगर इनको आप सिस्टम पे डाल के, यानी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसे सेल करते हैं, तो जो उसे खरीदता है वो इसे बाद में रीसेल भी कर सकता है और उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द जेन्यूननेस ऑफ द एनएफटी। तो इस केस में अमिताभ बच्चन जी जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत लोग उनको पूछते हैं, बहुत पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें एक सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी इंडियन क्रिप्टो स्पेस में। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए कि सीधे सीधे इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में हाथ डाला है, यानी कि इन्होंने अपनी एंट्री क्रिप्टो करेंसी में ले चुकी है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि इन्होंने एक क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया का, उसमें भी इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि एनएफटी में ये अपना कलेक्शन दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो इनके पास सुझाव आया होगा कि आप एनएफटी में डालेंगे तो इससे इतना फ़ायदा इनको भी मिलेगा, क्योंकि जो इस एनएफटी कलेक्शन को खरीदेगा, सीधी सी बात है, उसको भी एक अच्छी खासी रकम यहाँ चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने भी आगे अगर कल को रीसेल करनी है तो उसको भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है कि एनएफटी, देखिए अपकमिंग एनएफटी जो इनके ड्रॉप्स हैं beyondlife.club वेबसाइट पे, पहले इनकी कुछ कविताएं आएंगी, इनके पिताजी की कुछ कविताएं आएंगी, जैसे इन्होंने लिखा हुआ गोल्डन वर्सेस ऑफ मधुशाला नरेटेड म्यूजिकली बाय अमिताभ जी विद बैक स्टोरी, यानी कि वो ये कविताएं भी इसमें आपको मिलेंगी जो अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी आवाज़ में गाई हैं, बोली हैं। फिर शोले के कुछ पर्सनली ऑटोग्राफ्ड पोस्टर हैं अमिताभ बच्चन जी के, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। फिर कुछ अनडिस्क्लोज गिफ्ट भी हैं जो रेयर डिजिटल चेरिशेबल फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कि अभी मैं इनका देख रहा था एक वेबसाइट पे, इन्होंने इंटरव्यू दिया था, ये कहते हैं निजी वस्तुएं हैं या निजी चीज़ें हैं जो इनसे दिल के काफ़ी करीब हैं, वो भी ये एनएफटी के माध्यम से आगे सेल करने वाले हैं ऑन साइट पे, यानी कि इस बियॉन्ड लाइफ क्लब पे देने वाले हैं। सो अभी आप इसमें कर क्या सकते हैं, यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप इन इंडिया, मेक दैट डिफरेंस टू प्रोपेल इंडियाज फर्स्ट रेयर आर्ट एनएफटी ऑक्शन एंड पुट इट इन द ग्लोबल मैप। इट्स नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर, इट्स मिलियंस ऑफ इंडियंस हु विल मेक दैट डिफरेंस। बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका क्या इन फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब इंडिया का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एनएफटी को एक बड़े पैमाने पे लेके आता है, तो उसकी जो तवज्जो है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब वो चीज़ें जो किसी के दिल के बिल्कुल करीब है, जब उनको एनएफटी के माध्यम से वो आगे रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो स्पेस इंडिया में दोस्तों दिन प्रतिदिन बदल रहा है, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसी में, चीज़ें आपके सामने उतनी ही क्लियर होती जा रही हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं क्रिप्टो करेंसी में, अभी कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे ऐसे कॉइन रोज मार्केट में निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे टोकन मार्केट में निकल रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियंस बेताब हैं। तो एनएफटी की जहां तक बात करते हैं, अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये चीज़ों को काफ़ी दूर तक लेके जाने वाला है, और जो सोच है इंडिया के लोगों की क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो यहां पूरे तरीके से बदलने जा रही है। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे beyondlife.club पे एनएफटी के बारे में बताया भी गया है कि ये कैसे काम करती है, क्या है, जैसे लिखा है व्हाट इज एनएफटी, द एडवेंट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्रॉट फॉरवर्ड इमोशनल कॉमर्स थ्रू एनएफटीज व्हिच इज नॉन फंजिबल टोकंस, द आर्टवर्क एसोसिएटेड विद एन एनएफटी स्टोर ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम गिव्स द कलेक्टर द वैल्यू ऑफ द ओइंग द यूनिक collectible that no one else in the world does and is also traceable on the blockchain which is an immutable decentralized ledger of information, yani ki koi nfts yani ki kisi ke bhavnatmak
तरीके से किसी से जुड़ी है, हम उसे एनएफटी के थ्रू कॉमर्स में डाल रहे हैं। यानी कहां तक अमिताभ बच्चन की एनएफटी की बात की जा रही है तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि इमोशनल है, यानी कि एक भावनात्मक तरीका है जिसे हम एक कॉमर्स में थ्रू एनएफटी डाला जा रहा है, यानी कि उनकी पर्सनल चीज़ों को एनएफटी के माध्यम से वो आगे बेच रहे हैं, दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू आगे, फिर मैं बार बार यही करूँगा कि वो बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। सो एनएफटीज को लेके तो ये बहुत अच्छा स्टेप है बॉलीवुड की ओर से, अमिताभ बच्चन की ओर से, जो आने वाले समय में बहुत सारी परिभाषाओं को बदल के रख देगा क्रिप्टो के जो मायने हैं उनको। सो द लिमिटेड, अब मैं आपको दोस्तों साफ साफ कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1 नवंबर को इनका यहाँ पे ये ऑक्शन हो जाएगा। द अमिताभ NFT drops are soon going live. Get ready to access the drops by adding a balance to your wallet. यानी कि आप यहाँ पे साइन अप कर दीजिए, उसके बाद आपने अपनी डिटेल डालनी है, अपना वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करना है, या वॉलेट को आप जोड़ लीजिए, उस वॉलेट में आप पैसे भर लीजिए, और आप जैसे ही 1 नवंबर आएगी यहाँ पे अपनी NFTs लॉन्च कर देंगे, और उस NFTs को आप आगे जाके खरीद सकते हैं, और उसको आगे जाके आप चाहे तो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप, या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप उसे अपने पास रखिए, नहीं तो आप उसे आगे भी रीसेल कर सकते हैं, जिसकी आपको अच्छी खासी कीमत यहाँ पे मिलने वाली है। सो NFTs बहुत बड़े मायनों में उभर के आई है क्रिप्टो करेंसी में, तो इसको आप लोगों को समझ लीजिए, और अच्छे से इसको आपने, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप में इंटरेस्ट तो आप इसे बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वॉज रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो ऑन एन NFT विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय श्री अमिताभ बच्चन जी on this particular platform which is known as beyondlife.club. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।